अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री. टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर डे थ्री. आवर फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश ए. वी आर डूइंग यूनिट नंबर वन, डोरोथी मीट द स्केयरक्रो. इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन आंसर्स, रीडिंग, वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेस. टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्क पेजेस. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर सेवन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स. ये सब क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे अटेम्प्ट करने हैं. द स्केयरक्रो नेवर गेट टायर्ड. True. The scarecrow is frightened of the farmer. False. The great owl live in the diamond city. False. Great owl जो था वो emerald city में रहता था. Dorothy has a dog called Coco. False. Because इसके dog का नाम Toto था. The scarecrow is wearing a blue hat. True. The next question is, can you find these words in the story? These letters are not in the correct order. ये जो नीचे येलो बॉक्स में आपको लेटर्स दिए गए हैं ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है. आपने इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. फर्स्ट वन इज स्टफ्ड, सेकेंड वन इज स्केयरक्रो, थर्ड वन इज एमर्ल्ड, फोर्थ इज द ग्रेट ओस, फिफ्थ इज कॉर्नफील्ड एंड सिक्स इज ग्रेटफुली. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर थ्री. ट्राई टू फाइंड दिस वर्ड्स इन स्टोरी. फर्स्ट वन, दिस कीप एन एरिया क्लोज्ड ऑफ और प्रोटेक्टेड यूजुअली मेड ऑफ वुड. ये ऐसी चीज़ है जो वुड से बनती है और किसी एरिया को क्लोज करने के लिए यूज होती है. इट इज़ फेंस. सेकेंड इज समथिंग वॉर्न ऑन द हेड टू कीप वन वार्म और टू कीप द सन ऑफ. ऐसी चीज़ जो सर पे पहनी जाती है जो कि या तो गर्म करने के गर्माइश के लिए या फिर सूरज से बचने के लिए. आंसर इज हैट. आप यहाँ पे आगे इनके आंसर पेंसिल से लिख सकते हैं. अ थिन पीस ऑफ मेटल विद अ शार्प पॉइंट एट वन एंड अ राउंड हेड एट द अदर. ऐसी चीज जो मेटल से बनती है और जिसका एक पॉइंट जो है वो शार्प होता है और दूसरा जो होता है वो थोड़ा सा राउंड होता है. इट इज पिन. फोर्थ इज अ कंटेनर यूज फॉर होल्डिंग थिंग्स, ऑफन मेड ऑफ इंटरवूवन स्ट्रिप्स ऑफ वायर और कैन. ऐसा कंटेनर जो किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए बनता है और वो वायर और कैन. कैन मतलब होता है जो कैन इज अ काइंड ऑफ वुड की जो पतली स्ट्रिप्स होती हैं जिनसे हमने अक्सर देखा है कि बास्केट्स बनी होती हैं वो. और इसको इसका आंसर है बास्केट. These rodents look like large mice with long tails and pointed snouts. Rodents kind of जैसे चूहे होते हैं वैसे ये चूहों को भी कहते हैं और चूहों जैसे कोई भी एनिमल जो होगा उसको rodents कहते हैं. Large mice, mice again चूहों को कहते हैं. With long tails and pointed snouts. Snouts मतलब जो मुँह होता है जैसे चूहों का मुँह आगे थोड़ा सा होता है इस वैसे जो होता है sharp face जिनका होता है उनको हम कहते हैं snouts. इसका आंसर है mice. The organ of the body in the skull, it controls movement, sensation and thoughts, brain. इसका आंसर है brain. ऐसा organ body का जो skull में होता है लेकिन वो आपकी movements control करता है, आपके emotions control करता है और आपकी सोचें भी control करता है. इसका आंसर है brain. Next page, page number 9 में आप यहाँ देखें matching है. Work in pairs and complete the following by matching the statement with the correct क्वेश्चन टैग्स. आपको इन्हें करेक्ट क्वेश्चन टैग से मैच करना है. सबसे पहले है दे हैव मेट यू बिफोर, हैवंट दे. यहाँ पे आपको आंसर मेरे सामने नजर आ रहे हैं. लेट अस सी वेदर ही इज, शैल वी, यू आर इन द टीम, aren't you. ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये इनके आंसर है. आपने इनको इस स्टेटमेंट को इनके साथ मैच करना है अपनी बुक पे. यू आर इन द टीम, aren't you. दे आर वेरी ब्राइट, aren't they. It has been stolen, hasn't it? Don't tell anyone, will you? Seventh is, I think this is a good idea, don't you? आपको ये सारे क्वेश्चंस वर्क पेजेस पे जो वर्क पेजी के मैंने आपको करवाए हैं वो अपनी बुक पे सॉल्व करने हैं और इनको अच्छी तरह से लर्न करना है. उसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग्स एंड वर्ड सेंटेंसेस भी बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं. Our next subject is science. Today we are starting our unit 2, health and safety. First of all, we have to read the unit very carefully. So let's start. Machine works better and for long if they are looked after properly. Machines that are not used for a long time become rusty. Your body is like a machine but it can mend itself. If you cut yourself, the wound will soon heal if it is kept clean. बेसिकली मशीन्स जो हैं वो बहुत अरसे तक काम कर सकती हैं अगर उनकी अच्छे से देखभाल की जाए.
और मशीन अगर आप उन्हें ज़्यादा देर यूज़ नहीं करते तो वो रस्टी का मतलब होता है जंग आलूदा हो जाती हैं। हमारी जो बॉडी है वो भी एक मशीन की जैसी है, लेकिन हमारा जो जख्म होते हैं या फिर जो हमारी बॉडी होती है उसमें एक ये क्वालिटी होती है कि वो खुद से मेंड हो जाती है, मतलब हील हो जाती है। अगर आपके कोई जख्म लग जाता है और आप उसे साफ रखते हैं तो वो आप थोड़े अरसे के बाद हील होना शुरू हो जाएगा। गुड फूड, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेज, फ्रेश एयर, इनफ स्लीप एंड क्लीन हैबिट्स ऑल ऑल हेल्प द बॉडी टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम। अच्छा खाना, एक्सरसाइज, फ्रेश एयर और अच्छी तरह सोना, प्रॉपर अपनी नींद पूरी करना, ऐसी और जो साफ सुथरे रहने की आदतें हैं वो आपकी बॉडी को बहुत अरसे तक काम करने के काबिल बनाती हैं। नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मेक्स द बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग, इट ऑल्सो लीड टू बेटर हेल्थ एंड इट मेक पीपल फील गुड। सम एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग और प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट। अदर एक्सरसाइज सच एज रनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट और स्विमिंग फास्ट इज मोर विगोरियस। इट मेक्स लंग्स एंड मसल्स वर्क हार्डर। वी शुड एम टू डू अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज टू वर्क अवर बॉडीज कीप फिट। अब जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे मसल्स को, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसे कि चलना और खेलना प्लेग्राउंड में, थोड़ी सी एफर्ट उनको लगती है, आप थक जाते हैं और आपको मेहनत करनी होती है। अदर एक्सरसाइज सच एज रनिंग और प्लेइंग स्पोर्ट, स्विमिंग फास्ट, ये ऐसी एक्सरसाइज है जिनके लिए आपको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए होती है। लाइक आप कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह किसी ट्रेनिंग के नहीं कर सकते, स्विमिंग हो गई, रनिंग हो गई, इसके लिए आपको एक प्रॉपर पूरा एक सिस्टम चाहिए होता है। जैसे जबकि जब चलना है आम रूटीन में हम चलते फिरते हैं और प्ले ग्राउंड में जाके खेलते हैं, इसके लिए हमें स्पेशल किसी तरह की वो नहीं करनी पड़ती कि पूरा सिस्टम हो तो हम करेंगे। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो हम हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इट मेक्स अवर हार्ट्स, लंग्स एंड मसल्स वर्क हार्डर। ये हमारे दिल को, हमारे जो लंग्स हैं और मसल्स हमारे हैं, इनको वर्क जो है प्रॉपर करने में हेल्प करता है। वी शुड एम टू डू अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू वर्क आवर बॉडी एंड कीप इट फिट। हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो हमारी बॉडी को एक एक्सरसाइज में भी हमारी होती जाए और हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फिट रहे बहुत अरसे तक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वट इज़ गुड फूड। वी नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी। अ बैलेंस डाइट इज ईटिंग अ राइट वराइटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट एंड हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग टू अचीव एंड मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट। हमें इस तरह की बैलेंस डाइट खानी चाहिए जो हमारे बॉडी की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती हो। जितने विटामिन हमें चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ये सब हमारी कंप्लीट उस समय फूड के साथ हो जाए। और बैलेंस डाइट में हमारे बहुत सारी वराइटी आ जाती है फूड की, जिसको हमें ध्यान से खाना होता है कि कितनी कितनी मकदार में हमें चाहिए। हेयर इज़ अ गाइड टू द अमाउंट ऑफ ब्रेड, राइस एंड ग्रेन, मीट, फिश, नट्स एंड एग्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड फैट्स एंड शुगर्स वी शुड ईट। हमारे पास ये चार्ट होता है, उसमें हमें पता होता है कि ब्रेड, राइस और ग्रेन जो है उनमें कितनी अमाउंट में हमें मिलती है प्रोटीन्स और विटामिन्स। मीट, फिश, नट्स और एग्स होते हैं, उनमें कितनी प्रोटीन्स होती है। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रूट, वेजिटेबल एंड फैट, शुगर, मतलब ये सब चीज़ें हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये हमें कितनी लिमिट में खानी चाहिए। शुगर हम अगर हम लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो हम सबको पता है वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। फैट्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। तो हमें इस तरह की डाइट को फोकस करना चाहिए जिसमें हर चीज़ हमारी बॉडी को हार्म ना करती हो बल्कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करती हो। नेक्स्ट पेज इज स्लीप एंड रेस्ट। योर बॉडी एंड योर ब्रेन नीड टू रेस्ट। व्हेन वी स्लीप वेल वी फील रिफ्रेश्ड। एन 8 year ओल्ड यूजुअली नीड टू अबाउट 10 hours ऑफ स्लीपिंग एवरी नाइट। इफ यू डू नॉट गॉट इनफ स्लीप योर बॉडी एंड योर ब्रेन कैन बी अफेक्टेड। अब हम लोग दिन में सारा काम करते हैं तो हमें रात जो है अल्लाह ताला ने रेस्ट करने के लिए दिया है, और ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी है कि अगर हम अपनी जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी हमारी एज के हिसाब से हमें नींद की चाहिए, अगर हम वो कंप्लीट नहीं करते हैं, हमारी नींद उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हमारी बॉडी कभी भी हेल्दी नहीं रह सकती है और हमारा ब्रेन उससे अफेक्टेड होता है, हमारे जो डेली के काम होते हैं वो भी उससे अफेक्ट होते हैं, हमारी कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है और हमारी एनर्जी जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है कम होती जाती है।
Next topic is staying safe. The world around us is a pleasant place, but it can be dangerous too. It is important for us to look carefully before we do anything and think before we act. हमारा जो दुनिया है वो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर वक्त बहुत एहतियात से गुजारना होता है. मतलब हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी ध्यान से सोचना होता है, और कुछ करने से पहले भी हमें पता होना चाहिए कि जो काम हम करने लगे हैं वो हमारे लिए सेफ है या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फायरवर्क्स आर ब्यूटीफुल टू लुक एट, बट दे कैन कॉज मैनी इंजरीज. अब जब फायरवर्क्स हैं, जो आतिशबाजी है, वो देखने में हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत हार्मफुल होती है अगर उसको प्रॉपरली यूज़ ना किया जाए. यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम एट होम, इन स्कूल, ऑन योर स्ट्रीट और एट द प्ले ग्राउंड. लेट अस लुक एट द डेंजर्स इन दिस प्लेसेस. हम जो टाइम अपने घर में, स्कूल में और ज़्यादातर अपनी गलियों में और प्ले ग्राउंड में गुजारते हैं, तो हमें ये अब नेक्स्ट चैप्टर में आगे हमें पता चलेगा कि इनमें हमें क्या क्या जो है डेंजर्स या खतरे हमें हो सकते हैं जिनके लिए हमें केयरफुल रहना चाहिए. एट होम, इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल. इट गिव अस लाइट एंड हीट. इट मेक्स मैनी थिंग्स वर्क. इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पावरफुल एंड इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ ह्यूमन. अब इलेक्ट्रिसिटी जो हर घर की आजकल ज़रूरत है, हमारे घर में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिजली के बगैर हो सकता है. वो हमें लाइट, हीट, हर चीज़ प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ केयरफुल नहीं होंगे तो वो हमें हार्म भी कर सकती है. इलेक्ट्रिक शॉक और इस तरह की जो है वो बहुत सारे लोगों को मतलब कि वो हार्मफुल होती है. दिस इज़ वाई ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक. उनको प्लास्टिक के आपने देखा होगा, सारी वायर्स और जो भी मशीन्स होती हैं उनको प्लास्टिक से कवर किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एक इंसुलेटर होती है. प्लास्टिक कैन नॉट पास थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू प्लास्टिक. जो बिजली होती है वो प्लास्टिक की चीज़ों से पास नहीं हो सकती, मतलब कि उसमें ट्रैवल नहीं कर सकती. देर आर मैनी शार्प इंस्ट्रूमेंट इन द होम, दे हैव अ पर्पज, यूज दैम केयरफुली. अब हमारे घरों में हर जगह हमें पता है कि बहुत से ऐसे जो है इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो शार्प होते हैं, जैसे नाइफ, सीजर, नीडल और इस तरह, और भी जो ग्लासेस होते हैं वो, इनको यूज़ करने के लिए एक प्रॉपर आपको टेक्निक्स होती हैं, और अगर उसके उनके हिसाब से उन्हें यूज़ ना किया जाए तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं. यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जिनके साथ लिखा हुआ है नेवर प्ले विद दिस. इसमें आपकी मेडिसिन हैं, नाइफ है, रेजर्स हैं और फायर है, और इसके अलावा ऑयल है या केरोसिन जिसे कहते हैं हम, पेट्रोल वो है, और गर्म कोई भी चीज़, पानी, सूप, चाय वगैरह कुछ भी. यहाँ पे पिक्चर में आपने देखा है, इन द बाथरूम बी केयरफुल ऑफ स्लिपरी. अब बाथरूम है वहाँ पे ऑब्वियसली हम पानी यूज़ करते हैं, तो हमें उसमें भी एहतियात से जाना चाहिए कि हम गिर ना जाएं. एट स्कूल, बैड बिहेवियर लीड टू मैनी एक्सीडेंट्स. दिस इज़ वाई देर आर स्कूल रूल्स. फॉलो द रूल्स एंड यू विल नॉट हर्ट योर सेल्फ और अदर्स. अब स्कूल में हम देखते हैं कि जो आपका बुरा रवैया होता है वो आपको हमेशा खतरे या किसी भी हादसे में डाल सकता है. जैसे जब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बच्चे शरारतें कर रहे हैं, ये टेबल के ऊपर चढ़ रहा है, वो नीचे ये भी गिर सकता है, उसको भी चोट लग सकती है, एक दूसरे से मारना, लड़ाई झगड़ा, ये सब आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं. इसीलिए स्कूल में कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप लोग अपने आप को भी हर्ट ना करें और दूसरे भी उससे हर्ट ना हो. नेक्स्ट इज ऑन द स्ट्रीट, ऑलवेज कीप योर आईज ओपन, लिसन फॉर द साउंड ऑफ अप्रोचिंग व्हीकल्स. नेवर प्ले ऑन बिजी रोड. व्हेन यू आर वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड, वॉक ऑन द पेवमेंट. क्रॉस द रोड ऑफ अ सेफ प्लेस. लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शन बिफोर क्रॉसिंग द रोड. अब जब स्ट्रीट में जब हम रहते हैं तो वहाँ पे रोड्स होते हैं, और हमें उनमें एहतियात से अपनी आंखें और कानों को खुला रख के चलना चाहिए. जब भी रोड क्रॉस करने, कुछ रूल्स होते हैं रोड क्रॉस करने के, जैसे रोड क्रॉस करने से पहले आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे अच्छी तरह देखना चाहिए, और अगर कोई ट्रैफिक नहीं आ रही देन आप उसको क्रॉस किया. इन द प्ले ग्राउंड वॉच आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन. योर एक्शन में कॉज एन एक्सीडेंट. वेट फॉर योर टर्न एंड बी पेशेंट. डू नॉट प्ले रफली. मतलब प्ले ग्राउंड में जो बच्चे हैं छोटे, उन्हें ये देखना चाहिए कि जो उनसे छोटे बच्चे हैं उनके साथ ज़रा पोलाइटली और अच्छा बिहेव करें, ताकि वो भी और आप भी किसी भी तरह से चोट ना लगे आपको. इसके अलावा आप अपने पेशेंट रखना चाहिए, ये नहीं कि आपके स्विंग्स हैं तो आप उस पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करें, बल्कि अपनी बारी का इंतज़ार करके फिर उस पर चढ़ें. देन नेक्स्ट पेज पे हमारे पास फर्स्ट एड. इफ समवन गेट कॉल एन एडल्ट टू हेल्प, डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन. डू नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन. अब उन्होंने फर्स्ट एड के कुछ बेसिक रूल्स हमें यहाँ बताए हैं.
कि जब आपको लगे, आप बच्चे हैं, आपको लगे कि किसी को चोट लग गई है, तो सबसे पहले किसी बड़े को बुलाएं और जहाँ पे जिस इंसान को चोट लगी है उसके इर्द गिर्द ज़्यादा रश ना लगाएं, और कभी भी जो जख्मी है उसको किसी बड़े की मदद के बगैर उसकी जगह से हिलाने की कोशिश मत करें। ये उसके लिए और आपके लिए दोनों के लिए हार्मफुल हो सकता है। आर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ एंड वी आर डूइंग एक्सरसाइज 2C। टुडे वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 7। फॉलो सारा सिंपल मेथड टू फाइंड द प्रोडक्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे हमें उन्होंने एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया, हमने इसी को फॉलो करके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें हम देखें 8 × 20। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 8 ले लेंगे 2। मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 6 × 90। अब इसको सॉल्व हमने जब करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसको कर लेंगे इस तरह, आपके एक बुक में लाइन लगी हुई है, आपने सबसे पहले इसको ब्रैकेट में कर लेना है 6, और यहाँ पे हम 90 से ले लेंगे 9। जो भी आपको यहाँ पे सेकेंड अमाउंट दी होगी उसमें आपने 0 को छोड़ देना है, 0 हम इधर वैल्यूज़ की कर देंगे 0 की 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 9 आपका सिंगल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 9 = 54 × 10। ठीक, अब 54 को हमें करना है मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं 54 10, 0 0 0 0 0 5 0, 4 1 4 5 1 5, आंसर इज 540। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 540। नेक्स्ट, अब बाकी जो हमारे क्वेश्चन हैं हम सेम पैटर्न से इनको सॉल्व करेंगे। आगे मैं आपको एक एफ वाला सॉल्व करके दिखा देती हूँ। उसमें हमारे पास है 18 × 17। अगेन वी फॉलो द सेम पैटर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट इट इन ब्रैकेट, एंड देन सेकेंड जो हमारे पास नंबर है हम उसका फर्स्ट डिजिट यहाँ ले लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक, अब हमें 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 18 × 7, 7 8 = 56। यहाँ पे हम 6 यहाँ पे लिख के 5 यहाँ कैरी कर लेंगे, 7 1 = 7 एंड उसमें 5 ऐड करेंगे तो 12, 126। अब 126 को हमें मल्टीप्लाई करना है, 126 × 10। अब हम हमें 126 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम करेंगे 06 × 0 0 2 × 0 0 1 × 0, नेक्स्ट 6 1 = 6 2 1 = 2 1 1 = 1। यहाँ पे आंसर 1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 2 6 में 0 ऐड किया, 6 0 एज इट इज, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1260। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से सॉल्व होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोडक्ट। सिंपल मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहला है ए में 6 × 100। आप 100 ऊपर लिखकर 6 नीचे लिखेंगे, 6 0 = 0 6 0 = 0 एंड 6 1 = 6। इसी तरह आप जब सबको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ आपके नोट्स में होगा, आप सेम आंसर आता जाएगा। 21 × 100, 2100, 94 × 100, 9400, 7 × 100, 700, सेम पैटर्न से आप बाकी सारे पार्ट्स अपनी बुक पे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे भी आपने सेम, अगर आप 13, आपको यहाँ पे 1300 आंसर दे दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया है 13, आपने बीच जो आंसर, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसके साथ आप 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 1300 आ जाएगा। सिंपल 03 = 0। सॉरी, आपने इसको 13 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब आपके पास, जैसे मैंने ऊपर बताया कि किसी भी अमाउंट को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ऐसे ही आपने इधर 100 के साथ करना है। 13 × 100 1300, 24 × 100 2400, यहाँ पे 6300 है तो ऑब्वियसली 63 × 100
इज इक्वल टू 6300। ये आपके नोट्स में सारे आंसर्स हैं, आप इसी तरह उस बुक पे टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 72, आपने फाइंड द प्रोडक्ट, सिंपल मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज 8 2s 16, यहाँ पे 1600 आंसर आ जाएगा। सेकेंड वन मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पे आपके पास 12 multiplied by 500, तो जो हमारी बड़ी अमाउंट होती है हम उसको ऊपर लिखते हैं, 500 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। 2 0s 0 2 0s 0 5 2s 10, यहाँ 10 आ जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 0 1s 0 0 1s 0 5 1s 5 5 4 1 6 0, और आप इसके नीचे 0 60000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी सब भी सेम पैटर्न से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट हम कर लेते हैं एच वाला। एच में आपके पास है 18 multiplied by 400। सबसे पहले हम 400 ऊपर मेंशन कर देंगे, 18 नीचे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 0s 0 8 0s 0 8 4s 8 4s 32, यहाँ 32 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई 0 1s 0 0 1s 0 4 1s 4, 4 3 7, 2 एज इट इज नीचे 0 0 7200, आपका इसका आंसर आ जाएगा। बाकी सब इस क्वेश्चन के पार्ट सेम पैटर्न से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उसमें हमारे पास है सबसे पहले 500 multiplied by 10, 500 multiplied by 10, 0 0s 0 0 0 0 5s 0 1 0s 0 0 1s 0 5 1s 5 5 0 0 0 5000 आंसर। इसी तरह सिंपल क्वेश्चन नंबर एफ देखें। एफ में हमारे पास है 200 multiplied by 46, 200 हम ऊपर लिख कर नीचे लिखेंगे 46, मल्टीप्लाई करेंगे 6 0s 0 6 0s 0 6 2s 12 4 0s 0 4 0s 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 2s as it is आ जाएगा, यहाँ से 0 नीचे 9200। ये इसी पैटर्न से आपके बाकी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, आपने अपनी बुक पे इन्हें सॉल्व कर लेना है। हमारा अगला सबक है उर्दू ए, हम उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ रहे हैं। कल हमने उसकी रीडिंग की थी और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपने अपनी कॉपी को इस तरह रेडी कर लेना है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सबक का नाम लिखना है, सवालात के जवाब लिखें, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम नबी लोगों को क्या समझाते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम नबी लोगों को अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने के लिए कहते थे। अल्लाह ताला ने लोगों को नाफरमानी की क्या सज़ा सुनाई। अल्लाह ताला ने नाफरमान लोगों पर पानी का अज़ाब नाजिल किया, तेज़ बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी हो गया और हर शहर डूब गई। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ नाफरमान लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक क्यों उड़ाते थे। जवाब है इसका, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया था, जिसे देखकर नाफरमान लोग आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते कि ये यहाँ समुंदर और दरिया नहीं है, ये कश्ती मिट्टी पर चलाओगे क्या। ये सारे क्वेश्चन आपने नीटली अपनी कॉपी पर लिख कर इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है।